नमस्कार, धरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम कक्षा नौवीं के लिए उसकी जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, उससे रैदास जी के पदों को व्याख्या के लिए ले रहे हैं। इसमें हम रैदास जी के पदों की व्याख्या करेंगे, काव्य सौंदर्य बताएंगे, भाव सौंदर्य बताएंगे, शब्दार्थ भी बताएंगे। तो आज हम रैदास की पदों की व्याख्या की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले उनका हम पहला पद देखते हैं और उस पहले पद के जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को जानते हैं। इसमें जो पहला कठिन शब्द आया वो है बास यानि गंध, समानी यानि समाया हुआ, घन यानि बादल, मोर मोरा यानि मयूर मोर पक्षी, चितवत यानि देखना, चकोर यानि तीतर जाति का एक पक्षी होता है उसे चकवा भी कहते हैं, तो चकोर पक्षी कहलाता है, बाती यानि रुई की बत्ती जो दीपक में जलती है, ज्योति यानि दीपक या प्रकाश, बरे यानि जलना, राती यानि रात को, सुहागा सोने के सोने को शुद्ध करने वाला एक द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, उसको सुहागा कहते हैं, और दासा से तात्पर्य है दास से। और अब शुरू करते हैं रैदास जी की पदों की व्याख्या। रैदास जी जन्म से एक ऐसी जाति से संबंधित हैं जिसको हमारे समाज में नीच जाति मानी जाती है, परंतु वह विचारों से, भावनाओं से, विद्वता से समाज के सर्वोत्कृष्ट व्यक्तियों में शामिल हैं। ऐसे कवि की रचना आज हम ले रहे हैं। वे कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी का कहना है कि मैंने एक बार परमात्मा के नाम को ग्रहण कर लिया है तो अब वो रट मुझसे छूटती नहीं है, मैं लगातार उसी में रमा रहता हूँ, वही नाम बार बार लेता रहता हूँ, मेरे जीवन में उसी का प्रमुख स्थान बन गया है। फिर वो कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहां देखिए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपने और परमात्मा के संबंधों को व्याख्यायित किया है। वो कहते हैं कि आप चंदन हैं, मैं पानी हूं। चंदन को अगर घिस करके उसका हमें लेप तैयार करना हो तो बिना पानी डाले चंदन का लेप तैयार नहीं हो सकता। तो ईश्वर उनके लिए चंदन की तरह सुगंध देने वाला पदार्थ है, एक तत्व है, और मैं पानी हूं, सादा हूं, जिसमें गंध नहीं है, सुगंध नहीं है, स्वरूप नहीं है, सादा व्यक्ति हूं। आप जब चंदन और पानी मिल जाएंगे तो मेरे समस्त शरीर से आपकी सुगंध आने लगेगी, अर्थात जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी तो मेरे इस साधारण से शरीर से भी अत्यंत सौंदर्य प्रकट होने लगेगा, एक आभा निकलने लगेगी, ये उनका कहना है। फिर वो दूसरा प्रतीक लेते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी आप जो हैं बादल हैं, घन यानी बादल, और हम जंगल के मोर हैं। मोर पक्षी के बारे में लोक धारणा है, मिथक है, कि वह बादलों को देख करके बहुत प्रसन्न होता है और अपने पंखों को फैलाकर नाचता है, आनंदित हो जाता है, बादलों के साथ उसका घनिष्ठ रिश्ता है। तो रैदास कवि भी अपने और ईश्वर के रिश्ते को इसी तरह व्याख्यायित करते हैं कि आप मेरे लिए बादल के समान हैं और मैं मोर पक्षी की तरह आपको देखकर, आपके प्रति अपने को समर्पित करके और सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हूं। फिर जैसे चितवत चंद चकोरा, तीसरा
जो प्रतीक है वो चंद्रमा और चकोर पक्षी का है। चकोर पक्षी के बारे में दूसरी लोक धारणा है कि चकोर पक्षी और मादा चकोर पक्षी का जो मिलन है वो रात्रि में ही संभव होता है, इसलिए चकोर पक्षी चंद्रमा की प्रतीक्षा करता है, वही उसके लिए रात्रि होने का एक प्रतीक है। जब रात हो गई वो पहचानता है कि चंद्रमा आ गया आसमान में, यानी रात्रि हो गई और अब वह अपनी प्रेमिका मादा चकोर पक्षी से मिल सकेगा। तो उसके मन में, चकोर पक्षी के मन में चंद्रमा के प्रति जो आतुरता है, रैदास जी कहते हैं मेरे मन में भी हे प्रभु आपके लिए वैसी ही आतुरता है। अगली पंक्ति में कहते हैं तुम प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। एक और प्रतीक, बिना शिक्षित बिना पढ़े लिखे व्यक्ति के आप अभिव्यंजना को देखिए कि उन्होंने कितने प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। आप दीपक और बाती से कर रहे हैं कि आप दीपक हैं, मैं बाती हूं, बाती जलेगी और तब दीपक जो है प्रकाशवान होगा और उस रोशनी से अंधकार दूर होगा, अर्थात परमात्मा के प्रति मेरे मन में जो भक्ति भाव आया है वह उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त करके मैं अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाऊंगा, रात दिन वह दीपक जलेगा और मेरे सामने माया मोह लोभ मद किसी को भी आने नहीं देगा, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति इन चीजों में उलझा रहता है और परमात्मा के प्रति जो अपने को समर्पित कर देता है वो इनसे बच जाता है, अपना बचाव करना सीख जाता है। फिर एक पंक्ति है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। आप मोती हैं और मोती की माला बनाने के लिए उसको धागे में पिरोना पड़ता है, जब तक धागा उसके अंदर से गुजरेगा नहीं तब तक मोती की लड़ी नहीं बनेगी, माला नहीं बनेगी और किसी के गले में वह शोभा प्रदान करने की क्षमता नहीं पाती। तो आप मोती हैं, मोती जो है एक अमूल्य पदार्थ है, अमूल्य तत्व है और मैं साधारण धागा हूं, लेकिन दोनों का संयोग वैसा ही है जैसे मोती और धागे से मिलकर माला बन जाती है। या सोने को खरा बनाने वाला जो द्रव्य है वो जब तक सुहागा उसमें नहीं मिलाया जाता तब तक सोना भी खरा नहीं होता। तो इसलिए हे प्रभु हमारा आपका संबंध जो है अनन्य है, उसे भिन्न नहीं बनाया जा सकता। और आखिरी पंक्ति है इस पहले पद की कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भगति करे रई दासा। आखिरी में उन्होंने अपने भाव को व्यक्त कर दिया कि मैं दास भाव से आपकी भक्ति करता हूं। भक्ति के कई रूप हैं, एक दास भाव है जिसमें भक्त अपने आप को दास मानता है, सेवक मानता है और परमात्मा को अपना स्वामी मानता है, मालिक मानता है। तुलसीदास भी दास भाव से भक्ति करते थे और रैदास भी वही भक्ति करते हैं। सूरदास जी सख्य भाव से भक्ति करते थे, कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, बराबरी से बातें करते थे। तो ये अलग अलग भाव से भक्ति की जाती रही है, उसमें ये कहते हैं कि आप स्वामी हो मैं दास हूं और मैं इसी भाव से आपकी भक्ति करता हूं। तो ये था पहले पद का भावार्थ और चलिए अब हम इसके पहले भाव सौंदर्य को जानते हैं फिर काव्य सौंदर्य जानेंगे। तो इसका भाव सौंदर्य है कि कवि ने ईश्वर के साथ अपने आत्मिक संबंधों को अनेक प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्त किया है। और दूसरा है कि जो रैदास जी हैं वो दास भाव से भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। काव्य सौंदर्य देखते हैं कि देखिए इसमें प्रतीकात्मकता है, गेयता है और ये ब्रज भाषा में
लिखा गया है, अवधि के शब्द भी आए हुए हैं। तो दोनों तरह के लोक भाषाओं से ये वेदास जी का एक, वो भी एक संत थे, और संतों की भाषा में बहुत सारी भाषाओं के शब्द आते ही हैं, क्योंकि वो एक जगह स्थिर नहीं रहते। तो इसमें उपमा अलंकार वाली पंक्तियां हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा, और दूसरी है जैसे सोने ही मिले तो सुहागा। यहां उपमा अलंकार है क्योंकि जैसे शब्द आया है, तुलना की गई है, समानता दिखाई गई है, और बाकी प्रतीक तो बहुत ज्यादा है, तो हम उसको अलग से बताने की बजाय और ये कह सकते हैं कि पूरी कविता प्रतीकात्मक भावों से भरी है। तो ये काव्य सौंदर्य हो गया। अब हम दूसरा पद लेते हैं रैदास जी का, और दूसरे पद के सबसे पहले हम उसके कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर लाल शब्द आया है, इसका तात्पर्य है स्वामी। कौनु यानि कौन, गरीब निवाजु यानि दीन दुखियों के ऊपर कृपा करने वाला, गुसैया यानि मालिक स्वामी, माथे छतु धरे मस्तक पर छत्र रखने वाला, छोत यानि छुआछूत, जगत कौ लागे यानि संसार को के लोगों को छूत लगती है, तापर तू ही ढरे उन पर तुम ही करुणा करते हैं करते हो, और फिर कुछ ऐसे नाम दिए हैं जो भक्तों के, जो समाज जिन्हें छोटी जाति का मानता था परंतु जो वास्तव में उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, तो वो व्याख्या के समय में आपको उसके बारे में बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम इसकी व्याख्या। पहली पंक्ति है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, जो आप कर सकते हैं वैसा और कोई संसार में नहीं कर सकता। आपके लिए सब कुछ सक्षम है, संभव है, लेकिन अन्य लोगों की ने अपने लिए दीवारें बना ली हैं। कोई छुआछूत मानता है, कोई भेदभाव मानता है, कोई ऊंच नीच कहता है, लेकिन आपके पास इस प्रकार का कोई बंधन, कोई घेरा, कोई बाड़ा नहीं है। दूसरी पंक्ति है, गरीब नेवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। वे कहते हैं कि जिसके माथे के ऊपर छत्र लगा हुआ है, ऐसा ही परमात्मा ईश्वर मेरा स्वामी है। जाकी छोती जगत कौ लागे तापर तू ही ढरे। रैदास जी कहते हैं कि मैं वाल्मीकि समाज से हूं, और ये समाज कहता है कि तुम्हारे छूने से संसार को छूत लग जाती है, तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिससे संसार को छूत लगती है। वह अपने को अपवित्र मान लेता है, लेकिन ईश्वर कितना विराट है, कितना व्यापक है, कितना उदार है, कि वह जिसके ऊपर सारी दुनिया करुणा नहीं करती, उसके प्रति जो है वो दुर्भावना ही रखती है, उस पर भी अगर कोई करुणा करता है तो वो वही है एकमात्र मेरा प्रभु। अगली पंक्ति है, जाकि नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू तै न डरे। वो कहते हैं मेरा गोविंद, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर ऐसा है कि जिसे सारी दुनिया कहती है नीच है, छोटा है, समाज से बाहर इसको रहना चाहिए, उसको भी ऊंचा बनाने वाला कोई है तो वह ईश्वर है। अगली लाइन में वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे। वो कहते हैं नामदेव नाम के एक संत हैं, दूसरे कबीर दास हैं जो जुलाहा थे, त्रिलोचन नाम के एक और कवि हुए हैं जो भी ऐसी ही छोटी जाति से संबंधित थे, एक सदना नाम का कसाई था, और सेन नाम के भी एक और कवि हुए हैं जो सेन समाज से थे। पर ये सारे लोग ईश्वर की कृपा पाके उनके प्रति भक्ति भाव के पदों को रचकर इस संसार में अमर हो गए, और आज उनका सारे लोग नाम लेते हैं, उनके पदों को पढ़ते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। अंत में रैदास जी कहते हैं, कह रहे दास सुनहु रे संतहु,
हरि जी उते सभे नरे। रविदास कहते हैं, रविदास जो है अपभ्रंश है, सही नाम है रविदास। तो वो कहते हैं, हे संतो सुनो, ये रविदास तुमसे कहता है कि जो हमारा हरि है, ईश्वर है, वह सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में हर काम करने की क्षमता है, क्योंकि वह उदार है, करुणा का सागर है, सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, भेदभाव नहीं करता, ऊंच नीच नहीं मानता, ऐसा ईश्वर मेरा स्वामी है। तो ये था दूसरे पद की व्याख्या वाला अंश, और अब हम पहले इसके भाव सौंदर्य को देखेंगे, फिर काव्य सौंदर्य। पहला भाव सौंदर्य देखिए, रैदास जी ने परमात्मा के कृपालु स्वभाव का चित्रण किया है। दूसरा है, मनुष्य मनुष्य के बीच में छुआछूत के प्रति अपनी असहमति जताई है कवि ने। तीसरा है, ईश्वर सब पर समान रूप से कृपा करता है, ये जो परम सत्य है उसका उद्घाटन इस पद में हुआ है। और चौथा है कि उन्होंने बहुत से संतों का उदाहरण दिया है, जो जाति से नीच माने जाते थे, पर जो कर्म से, विचार से, ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ थे। और अब इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। पहला है, कवि की भाषा मूल रूप से ब्रजभाषा है, परंतु उसमें राजस्थानी, खड़ी बोली और अवधी के भी शब्द आए हैं। दूसरा, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सेन, तरे, इनके नाम लेकर बताया तो दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण दिए गए हैं। तो यह थी रैदास जी के पदों की व्याख्या और उसका भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, शब्दार्थ इत्यादि। अगली बार हम रैदास जी के पदों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।